हंगामे की ये तस्वीरें बीजेपी नेता सत्यनारायण राठी के घर की हैं। सत्यनारायण राठी पर भारतीय स्टेट बैंक का करीब 65 करोड़ रुपया बकाया है। इस मसले पर कोर्ट के आदेश के बाद से प्रशासन ने राठी की संपत्तियों पर कुर्की की कार्रवाई शुरू कर दी थी, लेकिन शनिवार को जब प्रशासन की टीम राठी के घर का कब्जा लेने पहुंची, तो हंगामा हो गया। राठी का परिवार घर से बाहर आने को तैयार ही नहीं था। ऐसे में करीब 2 घंटे की समझाइश के बाद पुलिस और प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए राठी परिवार को घर से बाहर किया और साथ ही कुछ लोगों को हिरासत में भी ले लिया। परसों के दिनांक हमारे तहसीलदार साहब यहाँ पे आए थे। उन्हें पाया था कि इस बिल्डिंग में किसी ने कोई रिस्पांस नहीं दिया था, कोई बाहर निकल के नहीं आया था। पर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ऊपर कपड़े सूख रहे हैं, तो ये लोग अंदर ही बंद हो गए थे। तो उस संबंध में हमारे तहसीलदार साहब द्वारा इनको सूचना चस्पा करके जारी कर दी गई थी। सूचना देने उपरांत भी आज दिनांक तक इनके द्वारा घर खाली नहीं किया गया, जिसके लिए विधिवत जो हमें माननीय उच्च न्यायालय से जो आदेश मिला है उसके परिपालन में हमें ये कार्रवाई करनी पड़ी। जो है सत्यनारायण राठी जी मनोरमागंज निवासी है। इनको जो है SBI का लगभग जो है 50 करोड़ के आसपास का कुछ इनका पैसा देना बकाया था, तो उसको लेकर जो है माननीय कोर्ट द्वारा जो है पैसा न दे पाने की स्थिति में इनकी संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है, जो आज रेवेन्यू विभाग की टीम, पुलिस विभाग की टीम और जो SBI के बैंक कर्मी हैं उनके द्वारा ये मकान माननीय कोर्ट के आदेश से खाली कराया जा रहा है। यहाँ पर परिवार ने पुलिस के साथ बहुत बदसलूकी की, फोर्सफुली उन्हें हटाना पड़ा, इस पर कोई एक्शन होगा? अभी तो जो है प्रथम हमारी प्राथमिकता है कि जो है माननीय जो है न्यायालय के आदेश की तामीली हो, उसके बाद में जो भी अग्रिम कार्रवाई होगी जो है वो हम आगे करेंगे, जो हमारा विभागीय लेवल पे होगी। पिछले दिनों प्रशासन ने राठी की कई संपत्तियों जिनमें गीता भवन क्षेत्र में खाली प्लॉट, छावनी की एक 3 मंजिला दुकान और अपोलो टावर के पास 2 दुकानों पर कब्जा लिया था, लेकिन घर पर कब्जा नहीं हो पाया था। शनिवार को सख्ती के साथ प्रशासन ने कब्जा हासिल किया। इंदौर से न्यूज़ के लिए शाहबाज खान की रिपोर्ट।